गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपने विद्युत चुंबकीय विकिरण लाइट की द्वैत प्रकृति ड्यूल नेचर पर डिस्कस कर रहे थे। कणीय प्रकृति के लिए मैंने एक सिद्धांत आपको समझाया था, कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। दूसरा समझना प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत छोटा सा दे रखा है आपके बुक में, समझने के लिए इसको ध्यान से समझना। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? अगर मान लो मैं किसी धातु के ऊपर एक प्रकाश पुंज डालता हूँ, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक धातु है, ये मेरे पास में क्या होगी धातु, इस पर मैंने प्रकाश पुंज डाली, विद्युत चुंबकीय विकिरण डाले, मतलब इस पे मैंने प्रकाश डाला, प्रकाश, तो इन प्रकाश के फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा होगी। मान लो वो ऊर्जा है फोटोन की एच न्यू, अभी समझाएंगे। ऊर्जा ई बराबर होती है एच न्यू, तो मैंने इसके एक फोटोन की ऊर्जा मान ली एच न्यू। अब इस धातु में जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक से एक नाभिक के आकर्षण बंध द्वारा बंधे हुए, इस बंध को तोड़ करके, मतलब ये जो ऊर्जा आ रही है ये आकर के इस इलेक्ट्रॉन पे गिरेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन से बंध टूट जाएगा पर इलेक्ट्रॉन सतह पर आ जाएगा। इसको यहां से यहां तक लाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई वो कार्य फलन एच न्यू कहलाता है। ये सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे अभी, क्या क्या है, एच न्यू कहलाता है। अब यहां से एक्स्ट्रा जो ऊर्जा बच गई उससे इलेक्ट्रॉन आगे बाहर चला जाएगा, इस ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। इसका मतलब जो मैंने प्रकाश डाला था, जो उसकी ऊर्जा थी, वो ऊर्जा दो भागों में बंट गई, एक तो एच न्यू जीरो कार्य फलन और दूसरा गतिज ऊर्जा के ई। पहले तो अपन ये समझे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो ऐसे समझना मैंने एक निर्वात ट्यूब ली, नीचे बना लेता हूं चित्र, इस तरह से एक निर्वात ट्यूब ली, ये ट्यूब है ठीक है, इस ट्यूब में वैक्यूम है, निर्वात है, मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इधर मैंने लगाया कैथोड या एनोड कर लेते हो, कैथोड कैथोड, इधर मैंने लगाया एनोड, एक साइड में कैथोड और एक साइड में मैंने क्या लगा दिया एनोड। अब समझना इनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये माइनस पार्ट, ये वाला प्लस पार्ट, आगे से आगे ऐसे सर्किट बना रखा है परिपथ, ये माइनस ये प्लस, और इसको ला करके यहां से जोड़ दिया। अब इसको ध्यान से समझते जाना, यहां से ये माइनस पार्ट है, ये प्लस पार्ट है, ये कैथोड है और ये क्या है मेरे पास में एनोड। अब मैं यहां एक धातु लगाता हूं, समझना, ये मान लीजिए मैंने धातु ले ली सीजियम, या फ्रेंड्स ये सीजियम ले सकते हैं, रूबीडियम ले सकते हैं, जिनकी आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। अब जैसे ही आकर के समझना, इसके ऊपर मैंने फोटोन डाले, प्रकाश डाला, प्रकाश पुंज डाल रहा हूं, प्रकाश फोटोन के रूप में, क्वांटा के रूप में, तो इससे क्या होगा, यहां से इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसे क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आगे गति करते जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों नाम दिया, क्योंकि ये प्रकाश के फोटोन को अवशोषित करके निकले, निकल करके दूसरी प्लेट की तरफ जा रहे हैं, आगे से चलते जाएंगे। तो अपने ये कहे कि किसी
धातु से प्रकाश विकिरणों की पुंज डाल करके इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ये इसका फोटो है, ये फोटो आप नहीं भी रटोगे तब भी चल जाएगा। अब इसमें एक चीज जरूरी है, वो चीज क्या है समझना। मैंने इस मान लो ये सीजियम था, धातु की पट्टी थी, इस पे फोटोन डाला तो उस फोटोन से यहां से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उससे अपनी आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिले। अगर उतनी ऊर्जा नहीं मिली तो नहीं आएगा। तो अब ऐसे समझना, यहां से ले रहा हूं वापस, इसको हटा रहा हूं एक बार, इस बंद को तोड़ करके यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक ले आए, मतलब धातु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था, उस ऊर्जा को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। उस ऊर्जा को तोड़ने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए वो कहलाती है दहली ऊर्जा। न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाएगी? दहली ऊर्जा। क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा के विकिरण जो होंगे उनकी जो भी आवृत्ति होगी वो कहलाएगी दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति को मैं लिखता हूं न्यू नॉट से। दहली ऊर्जा की बात करूं, दहली ऊर्जा थ्रेशहोल्ड एनर्जी किसके बराबर होगी? ऊर्जा बराबर होता है एच न्यू। ऊर्जा बराबर एच न्यू। तो दहली ऊर्जा कब होगी? जब दहली आवृत्ति हो, तो यहां न्यू बार आ जाएगा। इसी को मैं नाम देता हूं कार्य फलन। कार्य फलन क्या कहलाएगा? ये कार्य फलन। दहली ऊर्जा बराबर एच न्यू बराबर कार्य फलन। अब ऐसे समझना इसको, इस बोर्ड को उखाड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो कार्य फलन कहलाता है। मान लो मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि मैं इस बोर्ड को यहां से उखाड़ सकता हूं, तो इस बोर्ड को उखाड़ने में जो ऊर्जा खर्च होगी वो मेरी एच न्यू कहलाएगी, नॉट कार्य फलन कहलाएगा। अब ऐसे समझो कि मेरे पास इतनी ऊर्जा थी कि मैं केवल बोर्ड को उखाड़ सकूं, उखाड़ते मेरी ऊर्जा खत्म हो गई, तो मैं केवल बोर्ड को उखाड़ पाया, मेरी ऊर्जा कार्य फलन के बराबर थी। मान लो मेरे पास ऊर्जा कार्य फलन से ज्यादा है तो बोर्ड को उखाड़ने में जो खर्च हुई वो तो कार्य फलन अभी भी बची हुई है, तो मैं इस बोर्ड को कंधे पर रख के अपने घर ले जाऊंगा। जब घर ले जाऊंगा तो ये बोर्ड गतिशील हो गया, यानी कि अब जो मेरे पास ऊर्जा बची हुई थी जो इसको घर ले जाने में खर्च हो रही है वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो रही है। किस में चेंज हो रही है? गतिज ऊर्जा में। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझना, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक सतह तक लाने के लिए जो ऊर्जा खर्च हुई वो एच न्यू जीरो बार है। ये जो इतनी ऊर्जा मैंने लिए एच न्यू डॉट दहली ऊर्जा ये, इससे यहां से यहां तक आए सतह पर आ गया, वो मुक्त होने योग्य हो गया। अब आगे जाएगा नहीं जाएगा, तो अगर मैंने इतनी ही आवृत्ति की ऊर्जा डाली, मतलब ये मैंने फोटोन डाला एच न्यू बार, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा क्योंकि इसके बराबर है। अगर मान लो इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो जो इसकी ऊर्जा इतनी तो यहां खर्च होगी बच गई, उससे इलेक्ट्रॉन आगे गति करके जाएगा, वो गति ऊर्जा में चेंज होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने इस धातु की सतह पर इस ऊर्जा का फोटोन डाला एच न्यू, किस ऊर्जा का फोटोन डाला? एच न्यू। तो ये दो भागों में बंटेगा, देखो एक तो दहली ऊर्जा एच न्यू जीरो प्लस गतिज ऊर्जा के ई, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक बट्टा दो एम वी स्क्वेयर। गतिज ऊर्जा को लिखते हैं एक बट्टा दो एम वी स्क्वेयर, इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया एक। ये चित्र मैं दोबारा बनाऊंगा अच्छा सा, इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया? एक। अब समझना ये गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूं तो क्या आएगा, एक बट्टा दो एम वी स्क्वायर बराबर एक बट्टा दो एम वी स्क्वायर, चाहे मैं इसको गतिज ऊर्जा भी ले सकता था। ये मैं इधर लाया
एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो समीकरण नंबर दो, एक बट्टा दो एम वी स्क्वेयर बराबर एच कॉमन आया, प्लांक नियतांक है, ये जो फोटोन डाला था उसकी आवृत्ति, ये दहली आवृत्ति जिसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए आवश्यक होती है, समीकरण नंबर तीन। अब समझना, अगर मैं वी स्क्वेयर लेना चाहूं, वी स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, एच न्यू माइनस न्यू बार, ये जो वन बाई टू है उधर चला जाएगा, तो यहां ऊपर आकर के गुणा हो जाएगा टू से, टू एच न्यू माइनस न्यू बार, एम इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो इससे मुझे अगर इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना हो तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट टू एच आवृत्ति माइनस दहली आवृत्ति बट्टा एम। ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है, समीकरण नंबर पांच। अगर आपको एक नंबर सूत्र की बात पता चल गई इस वाले की, कि जिस ऊर्जा के फोटोन धातु की सतह पर डाले इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए, वो दो भागों में बांटे, कि दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिली वो तो कार्य फलन में चेंज हुई, उसके बाद जो इसकी फोटोन की ऊर्जा बची वो इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाने के लिए चेंज हुई गतिज ऊर्जा में। केवल इस एक समीकरण से मैंने ये पांचों समीकरण निकाले, इससे आप फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग भी ज्ञात कर सकते हो। अब ये चित्र दोबारा बना रहे हो, एक बार समझना अच्छे से, ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक धातु सतह थी, ये इस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, मैंने इस पर विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब प्रकाश डाला, मतलब फोटोन डाला, फोटोन, जो फोटोन मैं डाल रहा हूं उस फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू, ये फोटोन की आवृत्ति है और ये प्लांक नियतांक है। अब मैं ये कह रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने के लिए, यहां तक इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी वो दहली ऊर्जा कहलाएगी, और दहली ऊर्जा को लिखेंगे एच न्यू बार, सॉरी एच न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है, दहली आवृत्ति, मतलब उस आवृत्ति के फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंध से मुक्त कराकर सतह तक ला सके। अब इसका इतना पार्ट तो खर्च हो गया, अभी भी एच न्यू बचा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को आगे गति करके ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गया, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये कहलाती है गतिज ऊर्जा, ये क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर, ये देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होगी जितनी ऊर्जा आपने डाली है, आपने कितनी ऊर्जा डाली एच न्यू, इसमें से इतनी तो आपके खर्च होगी, तो माइनस एच न्यू जीरो, ये कार्य फलन, ये गतिज ऊर्जा आपके, के ई बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, यही सूत्र मैंने यहां लिखा है, देखो समीकरण दो में, ये देखो गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। एच न्यू जीरो क्या है, कार्य फलन। अब इसको मैं इससे एक चित्र बनाता हूं, समझना, इससे समझना, तरंग प्रकृति की बात कर रहे हैं। मान लो मैंने इस साइड में, यहां चित्र साफ बना लेता हूं, इस साइड में मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्या ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इस साइड में मैं ले रहा हूं आवृत्ति, इस साइड में मैंने क्या ले ली, आवृत्ति। आवृत्ति बढ़ने पर मतलब फोटोन जो डाला था मैंने, उस फोटोन की आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव आएगा,
तो ऐसे समझो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा, ऐसे इस तरह से चलने का मतलब ये तो न्यू जीरो को शो कर रही है यहां से यहां तक, दहली आवृत्ति के बराबर जो कार्य फलन में खर्च होगी। फिर जैसी आवृत्ति जितनी ज्यादा उसे उतनी गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी, मतलब जितनी ज्यादा फोटोन की ऊर्जा होगी दहली आवृत्ति से उसके आगे की जो ऊर्जा होगी वो किस में बदलेगी, गति ऊर्जा। अब यही चित्र अगर मैं इसके बीच लेता, समझना, गतिज ऊर्जा इधर मैंने लिया, गतिज ऊर्जा इधर क्या लिए है, गतिज ऊर्जा, इसको एक मिनट हटाता हूं, गतिज ऊर्जा इधर मैंने फोटोन की तीव्रता ले ली आई तीव्रता, इधर क्या लिया था फोटोन की आवृत्ति, अब मैंने लिए फोटोन की तीव्रता। अब ऐसे समझो गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपनी ये कह रहे तीव्रता चेंज की, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं आवृत्ति समान, आवृत्ति समान, यहां मैं आवृत्ति को चेंज कर रहा था तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी, यहां मैंने आवृत्ति को समान रखा केवल तीव्रता चेंज की तो गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं कणीय गति में क्यों ले रहा हूं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कणीय गति के आधार पे क्यों कर रहे हैं, तरंग गति के आधार पे क्यों नहीं की, उसका कारण समझना। ये मेरे पास में धातु सतह थी, ठीक है, यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे कब, जब फोटोन डालेंगे, तो मान लीजिए मैं यहां से इस पे फोटोन डाल रहा हूं। अब ऐसे समझो कि प्रति सेकंड जितने फोटोन आकर यहां टकराएंगे उनकी संख्या तीव्रता कहलाती है, प्रति सेकंड इस प्लेट पर टकराने वाले फोटोन की संख्या फोटोन ये इसकी विद्युत चुंबक की विकिरण की प्रकाश की तीव्रता कहलाई है, और तीव्रता बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है, तीव्रता बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा तीव्रता के समानुपाती है, ऊर्जा तीव्रता के समानुपाती है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 किलो जूल ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कितनी चाहिए 10 किलो जूल, एक फोटोन की ऊर्जा 1 किलो जूल है तो उसकी आवृत्ति तो फिक्स होगी ना, एच का मान फिक्स है 6.62 × 10²⁻³ जूल इंटू मीटर स्क्वायर जो भी आता है सेकंड, अब उसकी गुणा में आवृत्ति और गुणनफल आया है 1 किलो जूल, मुझे चाहिए 10 किलो जूल, तो या तो मैं इसकी आवृत्ति बढ़ाऊं ई बराबर एच न्यू, ई बढ़ाना है तो या तो मैं आवृत्ति बढ़ाऊं, आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ जाएगी, या मैं आवृत्ति नहीं बढ़ाऊं, ऐसे समझो एच न्यू फोटोन की संख्या बढ़ा दू, मतलब एक फोटोन की ऊर्जा ले रहा था उसकी जगह 10 फोटोन की ले लू तो अपने आप ऊर्जा बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको बढ़ाने के लिए कह रहा हूं कि मैं एक सेकंड में जितने फोटोन टकराऊंगा वो तीव्रता कहलाएगी, प्रति सेकंड धातु से टकराने वाले फोटोन की संख्या तीव्रता कहलाती है, जितने ज्यादा फोटोन टकराएंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैंने तीव्रता ली तो इलेक्ट्रॉन तो धातु की सतह से हट गया पर वो आगे गति नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि उसको गति ऊर्जा नहीं मिलेगी, आवृत्ति कांस्टेंट थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि तीव्रता बढ़ा के भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया जा सकता है, अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के फोटोन लिए, जो फोटोन लिए उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है या उससे कम है, तो आप फोटोन की संख्या बढ़ाकर तीव्रता बढ़ाकर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हो, तो जब तीव्रता बढ़ाई तो आवृत्ति नहीं ली, इसका मतलब कणीय गति से ही संभव है,
मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव तब भी उत्पन्न किया जा सकता है जब फोटोन की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम हो। उस समय कैसे करेंगे? तीव्रता बढ़ाकर। तीव्रता बढ़ाने का मतलब प्रति सेकंड टकराने वाली फोटोन की संख्या बढ़ा देंगे। ये ग्राफ वगैरह सारे आपके फिजिक्स में आएंगे। आपको 11th लेवल पर ये इतना सा काम बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपको हो सकता है दहली आवृत्ति देकर के कार्य फलन का मान पूछ ले, या आपको टोटल ऊर्जा पूछ ले, कैसे भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करोगे, कैसे आप कार्य फलन ज्ञात करोगे। अलग से पूछ ले कार्य फलन क्या है। कार्य फलन तो कार्य फलन किसके बराबर है? एच और दहली आवृत्ति का गुणनफल। ये अपने कार्य फलन है। जो फोटोन की ऊर्जा थी वो दो भागों मटी थी, कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv². तो यहां इस सूत्र से अपने इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहां तक अपनी जो बात हुई उससे दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो कर्ष्णी का सिद्धांत और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अपनी ये क्लियर हो गया कि प्रकाश को ये जो गुण थे ये केवल कणीय गति से समझा सकते हैं। अगर मैं विवर्तन लेता या मैं व्यक्तिकरण लेता तो वो केवल तरंग गति से समझा सकते हैं। इसका मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। विवर्तन व्यक्तिकरण ये अपने इसमें नहीं समझाना। अब आगे नेक्स्ट समझना बात को। अब अपने बात करें स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम प्रकाश का या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब यह होता है कि अपने विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़े, उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न थे। आवृत्ति अलग अलग है तो लेमडा भी अलग अलग होगा। उस आवृत्ति के बेस पे 7 तरह के विजिबल लाइट थी विबगियो नाम से, उनमें किसका चेंज था? आवृत्ति या लेमडा का। तो अलग अलग आवृत्ति या अलग अलग तरंग दैर्ध्य के जो प्रकाश की ऊर्जा की सीरीज प्राप्त होते हैं विद्युत चुंबक के, वो स्पेक्ट्रम कहलाती है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त कैसे करें? तो हमेशा याद रखो स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से। किससे प्राप्त करेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप। विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है वो स्पेक्ट्रम किससे लेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोप से लेंगे। किससे लेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपके पास प्रकाश स्रोत है, उससे आपको प्रकाश प्राप्त होगा, उस प्रकाश को आप एक प्लेट में से निकालोगे, स्लिट में से। इस स्लिट में से निकलने के बाद ये जो प्रकाश है इसको प्रिज्म में से निकालोगे, प्रिज्म, प्रिज्म। इसमें से निकलने के बाद ये जो प्रकाश था इसके लेमडा अलग अलग होंगे, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होंगे, तो ये इस तरह से अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। इसे इस तरह से स्पेक्ट्रम की सीरीज हो जाएगी। मतलब यहां मान लो वायलेट कलर आया, ये मान लो ब्लू आ गया, ये मान लो और कोई कलर आ गया इंडिको, लास्ट में मान लो रेड आ गया, तो ये अलग अलग कलर का एक स्पेक्ट्रम बन गया। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसे बनेगा, एक बार दोबारा समझना। जो आपने प्रकाश लिया है, जिसका स्पेक्ट्रम लेना है, उस प्रकाश का आपको प्रकीर्णन करना है और प्रकीर्णन के बाद उसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करना है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। दोबारा समझना, स्पेक्ट्रोस्कोप जो है, स्पेक्ट्रोस्कोप, इसमें एक तो प्रकीर्णन प्लेट होगी, एक इसके अंदर टेलीस्कोप होना चाहिए, प्रिज्म भी होगा, साथ में टेलीस्कोप होना चाहिए। अगर मैं टेलीस्कोप की जगह फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक फिल्म यूज करता हूं, फोटोग्राफिक, ग्राफिक फिल्म,
फोटोग्राफिक फिल्म किसकी जगह, टेलीस्कोप की जगह। इसकी जगह मैं अगर फोटोग्राफिक फिल्म की बात करता हूं तो फिर इस स्पेक्ट्रोस्कोप को नाम दे देंगे स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ। इस उपकरण का नाम दिया है स्पेक्ट्रोग्राफ, सॉरी स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ। जो स्पेक्ट्रम आएगा उसका नाम हो जाएगा स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रोग्राम। उपकरण का क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रोग्राफ। कब, जब फोटोग्राफिक फिल्म यूज की टेलीस्कोप की जगह। और जो बड़ा ग्राफ स्पेक्ट्रम बना उसको नाम दिया स्पेक्ट्रोग्राम। ये जो मैंने बात बताई है ये आपको न तो रटनी है न ध्यान रखना है, केवल नॉर्मल नॉलेज के लिए बताइए। अपने स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब इसको हटा देता हूं, अब स्पेक्ट्रम की बात समझो। ये मेरे पास एक प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश। पहले स्पेक्ट्रम दो तरह के हैं, पहला स्पेक्ट्रम ले रहा हूं मैं एक नंबर, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर मान लो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ऊर्जा क्या रही है, उत्सर्जित हो रही है, तब तो कौन सा आएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए मान लो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, पहला एग्जांपल सूर्य विकिरण नो की ऊर्जा, सूर्य विकिरणों की ऊर्जा। मान लो मैं सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लेना चाहूँ, कौन सा स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो मैंने यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लिया, या कोई बल्ब ले सकता हूँ, या मैं मान लो कोई गैस है उसको निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन करके भी मैं ऊर्जा प्राप्त कर सकता हूँ, प्रकाश प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकाश को मैंने एक स्लिट में से निकाला, ये मेरे पास एक स्लिट है, स्लिट, इसमें से इस प्रकाश को निकाल दिया। अब मैंने प्रिज्म यूज किया, प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म का काम है प्रकाश को प्रकीर्णित करना, अलग अलग करना, सेपरेट करना। तो इसने इस प्रकाश को लेमडा के आधार पे, आवृत्ति के आधार पे, जिनकी तरंग धैर्य अलग अलग है, जिनकी आवृत्ति अलग अलग है, उनको अलग अलग भागों में से बांट दिया इस तरह से। इसमें से निकलने के बाद ये स्लेट है, स्पेक्ट्रोग्राफ है ये, इसमें स्पेक्ट्रोग्राम आएगा इस तरह से, इस तरह से कलर बन गए। मान लो मैंने दृश्य प्रकाश लिया था, श्वेत प्रकाश, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, तो ये सात रंगों में बंटेगा। दृश्य प्रकाश का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आएगा वो कितने भागों में बंटेगा, सात। इन सात कलर को ऐसे लिखेंगे विबग्योर, विबग्योर। कौन कौन से कलर है, पहला कलर आएगा वायलेट, दूसरा कलर आएगा इंडिको, तीसरा कलर आएगा ब्लू, चौथा कलर आएगा ग्रीन, पांचवा कलर आएगा येलो, छठा कलर आएगा ऑरेंज, सातवां कलर आएगा रेड। मतलब ये सात रंगों में बंट गया। इसके बंटने को बोलते हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। इस प्रकाश के प्रकीर्णन से ये जो स्पेक्ट्रम बना है इसमें ये सातों कलर लगातार एक दूसरे से अतिव्यापन किए, अतिव्यापन का मतलब ऐसे चिपके हुए। जैसे ध्यान से समझना, ये ब्लैक कलर, ब्लैक के पास चिपका हुआ रेड है, रेड के पास चिपका हुआ ब्लू है, इस तरह से ब्लू के पास मान लो कोई और लाइट आ गई, ग्रीन आ गई मान लो, इस तरह से ऐसे।
कंटिन्यूस ये लाइट एक दूसरे से चिपकी हुई है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को नाम देते हैं सतत स्पेक्ट्रम। क्या नाम देंगे? प्रकाश का सतत स्पेक्ट्रम, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, सतत। यह प्राप्त होता है आपको बारिश के समय जो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। बरसात के समय क्या होगा? जो जल की बूंदे हैं, बरसात के समय जो जल की बूंदे हैं, वो जल की बूंदे प्रिज्म का काम करती हैं। बरसात के समय में जल की बूंदे किसका काम करेगी? प्रिज्म का। तो जैसे ही दृश्य प्रकाश जल की बूंदों पे गिरेगा, वो सात भागों में बढ़ जाएंगे और अपने को इंद्रधनुष दिखाई देने लग जाएगा। तो अगर मान लो मैं सूर्य विकिरणों की ऊर्जा का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाता हूं, तो मुझे ये कैसा प्राप्त होगा? सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, लगातार रंगों की एक पट्टी प्राप्त, लगातार एक दूसरे से अति व्यापन किए हुए। इस स्पेक्ट्रम को नाम देते हैं सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया? सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। पहला समझना, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार के हैं। पहला है सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसमें जो कलर आएंगे अलग अलग लैम्डा के, वो निरंतर होंगे, एक दूसरे से अतिव्यापन किए होंगे। एग्जाम्पल है इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना यानी कि जो सूर्य विकिरण था, सूर्य की ऊर्जा थी, प्रकाश का जो स्रोत था, दृश्य प्रकाश था, उससे सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बना, लगातार लाइनें आई। दूसरा, अगर मान लो कोई वाष्पशील पदार्थ है, दूसरा समझना, रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। प्रकाश वाला या किसी बल्ब से लेते तब तो सतत आता, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसको परमाणविक स्पेक्ट्रम नाम देते हैं, परमाणविक स्पेक्ट्रम। ये कैसे बनेगा वो समझना, ये लाइन के रूप में बनेगा। अब ये लाइन के रूप में कैसे बनेगा? मान लीजिए मेरे पास ये कोई पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? वाष्पशील। कैसा पदार्थ है? वाष्पशील पदार्थ। इस वाष्पशील पदार्थ को मैं अगर गर्म करता हूं, क्या करता हूं? गर्म, इसको गर्म करता हूं। वाष्पशील पदार्थ को मैं जब गर्म करूंगा, तो गर्म करने से इसमें से ऊर्जा उत्सर्जित होंगे, विकिरण उत्सर्जित होंगे। वो जो विकिरण उत्सर्जित होंगे, वो विकिरण स्पेक्ट्रोग्राफ पर इस तरह से अलग अलग कलर की लाइंस बनाएंगे, ऐसे। जैसे मान लो एक लाइन यहां बन गई, दूसरी चमकीली लाइन यहां बन जाएगी, तीसरी चमकीली लाइन मान लो यहां बन गई। अब इसमें ध्यान से देखो, ये तीनों कलर लगातार नहीं है। एक रेखा बन गई चमकीली, फिर दूसरी रेखा ही चमकीली अलग कलर की, जैसे पहले ब्लू आ गई, फिर रेड आ गई, फिर ब्लैक आ गई। इसको बोलते हैं रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या परमाणविक स्पेक्ट्रम, अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये कैसे लेते हैं वो समझना। मान लीजिए मैंने एक बर्नर लिया, ये मैंने एक बर्नर ले लिया जिससे वाष्पशील पदार्थ को गर्म करना है। इस बर्नर को मैंने नाम दिया, बर्नर का नाम समझना बुनसन बर्नर। केमिस्ट्री में जो बर्नर काम में लेते हैं उसको वैज्ञानिक बुनसन ने बनाया था, इसलिए नाम क्या दे रहे हैं? बुनसन बर्नर। अब मैंने यहां पे एक कोई वाष्पशील पदार्थ लिया, ये मैंने एक पदार्थ ले लिया। कैसा पदार्थ लिया? वाष्पशील पदार्थ। अब मैंने जैसे इस बुनसन बर्नर से इसको गर्म किया, तो जो इसकी वाष्प बनेगी, वाष्प
उस वाष्प का जब स्पेक्ट्रम लेंगे, स्पेक्ट्रम, तो वो इस तरह से अलग अलग लाइन के रूप में बनेगा। ऐसे एक लाइन चमकीली लाइन बनेगी, फिर थोड़ा गैप दूसरी लाइन, फिर थोड़ा गैप, फिर मान लो ये तीसरी लाइन बन गई ऐसे। अब मैंने कौन सा पदार्थ लिया है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो मैंने यहां पे सोडियम लिया, ये जो वाष्पशील पदार्थ था ये मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम, तो मुझे यहां दो चमकीली रेखाएं प्राप्त होगी। कितनी चमकीली रेखाएं प्राप्त होगी? दो। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, वाष्पशील पदार्थ को गर्म किया, ताप के माध्यम से इसने उष्मा ली, विकिरण ली, वो उष्मा त्यागेगा वाष्प के रूप में, तो स्पेक्ट्रम बनेगा किसका? सोडियम का। तो एक तो प्राप्त होगा मुझे 300 नैनोमीटर पर एक लाइन प्राप्त होगी, दूसरी लाइन प्राप्त होगी 389.6 नैनोमीटर। दो लाइन प्राप्त हुई, दोनों लाइन अलग अलग लेमडा पर, अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त हुई। एक प्राप्त हुई 389 पे, एक 389.6 पे, तो दोनों अलग अलग है, रेखाओं के रूप में दिखाई देगी। अब इसका यूज क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम का यूज क्या है वो समझना। यहां जो वाष्पशील पदार्थ था उसको मैंने चेंज किया, समझना। एक बार मैंने सोडियम लिया, एक बार मान लो मैंने सीजियम ले लिया, एक बार मैंने बेरियम ले लिया, एक बार मैंने कैल्शियम ले लिया, इनको मैं गर्म कर रहा हूं। तो अब सोचो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो अलग लैम्डा पर बनेगा, इसका जो बनेगा वो अलग लैम्डा पर बनेगा। एक काल्पनिक रूप से मानो इसका जो बनता है वो मान लो 389 नैनोमीटर पर बनता है, इसका मान लो हाइपोथेटिकल 395 पर बनता है, 395 नैनोमीटर, इसका मान लो 410 नैनोमीटर पर बनता है, इसका मान लो 520 नैनोमीटर पर बनता है, ठीक है। अब मुझे क्या किया, एक अननोन पदार्थ दे दिया, ये वाष्पशील पदार्थ। अब मुझे ये पता करना है कि ये पदार्थ इनमें से कौन सा है, तो मैंने क्या किया, इसको बुनसन बर्नर ज्वाला में गर्म किया, गर्म करके मैंने यहां स्पेक्ट्रम लिया इसकी वाष्प से। जो स्पेक्ट्रम लिया उसकी जो चमकीली लाइन बनी, ये इसकी चमकीली लाइन बनी, ये चमकीली लाइन मान लो मुझे 395 नैनोमीटर पे प्राप्त हुई। कितने पे प्राप्त हुई? 395 नैनोमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि 395 पे किसके लिए प्राप्त होती थी? सीजियम। इसका मतलब ये जो पदार्थ दिया था अज्ञात पदार्थ वो सीजियम है। अगर ये 410 पे प्राप्त होती तो बेरियम, 520 पे प्राप्त होती तो कैल्शियम। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पदार्थ की पहचान कर सकते हैं कि पदार्थ कौन सा है। इस पहचान को बोलते हैं इसको पहचान को बोलते हैं अंगुली छापन। क्या बोलते हैं? अंगुली छापन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिंगर प्रिंट। अपनी ये कहते हैं कि जो हस्ताक्षर नहीं करते हैं उनका अंगूठा लगवाते हैं, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड सब में अंगूठा लगा रखे, वो फिंगरप्रिंट है। मतलब मेरे जो अंगूठे की फिंगरप्रिंट है वो दूसरे की नहीं होगी। अब उसको आधार कार्ड को खोलेंगे तो वो मेरे अंगूठे से ही खोलेंगे। इसका मतलब मेरे यहाँ पे जो ऐसे लाइंस बनी हुई है उसका एक स्पेशल कोड है, वो कोड, ऐसा कोड लाखों में भी नहीं मिलेगा। जैसे जैसा मेरा है ना वो लाखों व्यक्ति में नहीं आएगा। तो ये एक मेरा अलग से आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। ऐसी हर एक पदार्थ के लिए जो रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आएगा, अलग अलग परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम अलग अलग आएगा, इसका मतलब उनकी पहचान कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ कौन सा था। इसको अंगुली छापन बोलते हैं, और ये जो पहचान करते हैं इस पहचान को नाम देते हैं ज्वाला परीक्षण, फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण। ये सारी चीजें आप एस ब्लॉक वगैरह पढ़ेंगे। अपने अभी यहां इतना ही काम था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अगर किसी पदार्थ से लाइट प्राप्त हुई,
विकिरण प्राप्त हुए, वो विकिरण प्रिज्म से टकरा करके स्पेक्ट्रोग्राफ में गए, स्पेक्ट्रोग्राफ में उनकी रेखाएं कैसे प्राप्त हुई, अगर वो कलर लगातार प्राप्त हो रहे अलग अलग लैम्डा पे तब तो सतत स्पेक्ट्रम जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, अगर वो अलग अलग जगह रेखाओं के रूप में प्राप्त हो रहा है चमकीली रेखाओं के रूप में तो उसको बोलते हैं रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा बुनसन बर्नर ज्वाला से प्राप्त किए जाते हैं, इसको ज्वाला परीक्षण नाम देते हैं, इसके द्वारा अज्ञात पदार्थ की पहचान कर सकते हैं जिसे अंगुली छापन परीक्षण फिंगरप्रिंट टेस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने यहां एक नंबर पे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लिया, ऐसी दो नंबर पे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो बनता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। जैसा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था सेम वैसा ही अवशोषण स्पेक्ट्रम आएगा, थोड़ा सा चेंजेस समझना, अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। पहला जो स्पेक्ट्रम बना उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ये प्रकाश के उत्सर्जन से बना और ये प्रकाश के अवशोषण से बनेगा, ये ऊर्जा के निकलने से बना, ये ऊर्जा लेने से बनेगा। अब ऐसे समझना, मेरे पास में ध्यान से समझना, ये एक प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश, इस प्रकाश में तीन अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश है, जैसे 395 का है, 420 का है और 510 नैनोमीटर का है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश है, ठीक है। इनको मैंने किसी पदार्थ में से निकाला, ये मेरे पास कोई पदार्थ है, इसमें से निकाला, इस प्रकाश को मैं इसमें से पास कर रहा हूं, तो इस पदार्थ ने क्या किया, इस 595 वाले को अवशोषित कर लिया। किसको अवशोषित किया, 395 तरंग दे रही नैनोमीटर वाले को अवशोषित कर लिया और बाकी दोनों को जाने दिया। तो बाकी दोनों को जाने दिया तो यहां पे जो प्रकाश अवशोषित हो गया था वहां चमकीली रेखा की जगह एक गहरी काली रेखा मिलेगी, अंधकार युक्त, और बाकी दोनों रेखाएं चमकीली मिलेगी, बाकी जो बच गई ये चमकीली रेखाएं मिलेगी। तो ध्यान से देखो, जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश इस पदार्थ ने अवशोषित कर लिया, अपने पास रख लिया, वो आगे गया ही नहीं, तो जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित हो गया उसकी जो लाइन बनेगी वो अंधकार युक्त लाइन बनेगी, उसी स्पेक्ट्रम को बोलते अवशोषण स्पेक्ट्रम। दोबारा समझो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम एक ही चीज है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब प्रकाश उत्सर्जित होकर के स्पेक्ट्रोग्राम में गया तो वहां चमकीली लाइन बनेगी, और अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब जो प्रकाश आ रहा था उसको पदार्थ ने अवशोषित कर लिया, त्यागा नहीं, अवशोषित कर लिया, तो वो जाकर स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर अंधकार युक्त लाइट बनाएगा, क्योंकि वो उस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गया नहीं, तो वहां काली रेखा बनेगी अंधकार युक्त, वो अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये नॉर्मल आपको मैंने आपको बताया है, आप अपने बुक के अंदर विद्युत चुंबक के विकिरण पढ़ोगे उसमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम सारा दे रखा है। अब कल से अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन में रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।